पत्र लिखे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। आज ईडी ने एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। शराब घोटाला मामले की जांच को लेकर ईडी केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। यह आपको बता दें कि 7 समन अब तक ईडी भेज चुकी है केजरीवाल को। इससे पहले भेजे गए 6 समन को केजरीवाल नजरअंदाज कर चुके हैं, गैर कानूनी बता चुके हैं। और केजरीवाल ने लगातार ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए वो वहां पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। आज अब 7वें समन में केजरीवाल पेश होंगे या फिर नहीं, इस पर संशय लगातार बना हुआ है। और इस ईडी के समन को आज केजरीवाल क्या कहते हैं, इस पर भी निगाहें रहेंगी। आपको बता दें कि ईडी ने 7वां समन भेजकर केजरीवाल को पेश होने के लिए आज की तारीख दी है। अरविंद केजरीवाल अब तक ईडी की ओर से भेजे गए 6 समन को दरकिनार कर चुके हैं। केजरीवाल ने ईडी के समन को हर बार अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया है। समन को बार बार नजरअंदाज किए जाने के बाद ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को बुलाया था। केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होते हुए खुद को विधानसभा में विश्वास मत को लेकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कहा था, और यही वजह थी कि वो समन में पेश नहीं हो पाए थे। लेकिन अब जब 7वां समन भेजा गया, तो क्या आज पेश होते हैं अरविंद केजरीवाल या फिर नहीं, इस पर संशय भी बना हुआ है। और आज क्या कुछ कहते हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर हमारी नजर रहेगी।